ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज गुरुवार के दिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुरुवार की कथा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव जरूर लिखें। बोलो बृहस्पति देव गुरु महाराज की जय हो। बंधुओं, हो सके तो गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र पहने और केले के पेड़ की पीले फूलों से ही पूजा करें और बेसन के लड्डू, केले के पेड़ पर बृहस्पति देव का नाम लेकर चढ़ाएं और जल में हल्दी मिलाकर केले के पेड़ को अर्पित करें और पीले रंग का चंदन लेकर उससे केले के पेड़ पर तिलक भी करें। बंधुओं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का केले के पेड़ के नीचे बैठकर या फिर खड़े होकर जप करें। बंधुओं, यदि आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो नमक रहित भोजन ग्रहण करें। बोलो गुरु महाराज की जय, बृहस्पति देव की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न वस्त्र धन किसी की भी कोई कमी ना थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। किसी भी भिखारी को या उनके घर में कोई भिक्षा हेतु आता, उसे कुछ भी ना देती। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक दिन एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर आया और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं आंगन लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी, कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार फिर महात्मा आए, उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगे? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा कोने में जमा कर देना, घर में चौका इत्यादि मत लगाना, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने कभी भी ना रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी भी मत धारण करना, ना पीले रंग की चीजों का भोजन करना। यदि ऐसा करती रहोगी तो तुमको घर का कोई काम ना करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह कई बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े दिनों के बाद वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी।
परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं, आपको क्या दूं? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा समय है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही अवश्य मैं करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो घर को गौ के गोबर से लीपना, घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं, भूखों को अन्न वस्त्र देती रहो, ठीक शाम के समय दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य पहले जैसा हो गया। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार से सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बृहस्पति देव जो जिस भावना से व्रत करता है उसकी वैसी मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। बोलो बृहस्पति देव गुरु महाराज की जय। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, 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 ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।